हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, उनका बहुत टाइम से जो कोल वेज एग्रीमेंट होने वाला था, जिसको कि 11वां कोल वेज एग्रीमेंट भी बोला जा रहा था, ये ड्यू था। और इसके लिए काफ़ी मीटिंग्स हो रही थी, काफ़ी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और जिसके बाद वैसे तो ये ड्यू था 1 जुलाई 2021 से, लेकिन अब लगभग हम 2023 में पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग 1.5 साल के बाद ये आखिरकार लगभग फाइनल हो गया है। तो इसकी जो 8वीं मीटिंग थी वो हुई JBCCI की, जो 11वीं जो 11 की 8वीं मीटिंग हुई, उसमें ये लगभग तय हो गया है कि जो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट है, यानी कि जो न्यूनतम प्रॉफिट या बेनिफिट मिलेगा, वो एक तरीके से 19% रहेगा। तो ये इस मीटिंग में ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। और इसी के लिए जो हमारे कोल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि ये आखिरकार ये बहुत टाइम के बाद और बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कोल इंडिया की 8वीं मीटिंग में। कुछ चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं, वो लगभग फाइनल हो जाएंगी कुछ मीटिंग्स में, और ये ऑलमोस्ट ये अब तय है कि ये 19% मिनिमम बेनिफिट जो 11वां वेज एग्रीमेंट है उसमें कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव के ये मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं।